ऑल राइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिनाइल ऑफ सर्विस पे डिस्कशन शुरू की थी कि एक काफ़ी मेजर कैटेगरी ऑफ अटैक्स होती है कि आप जो विक्टिम है उस पर इतनी ट्रैफिक जनरेट करवाएं, इतना लोड जनरेट करवाएं कि जो वैलिड रिक्वेस्ट हैं उनको सर्व करने के लिए उसके पास कैपेसिटी ना बचे। ठीक है, तो इस पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन हो चुकी है। आज हमने फर्दर डिस्कस करना है कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो अटैक को ज़्यादा पोटेंसी बख्शते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि लेट सपोज, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि लेट सपोज आपने UMT ने अनाउंस किया कि फाइनल एग्जाम्स होंगे और आपका दिल नहीं कर रहा कि आप एग्ज़ाम दें। ठीक है, आप चाहते हैं कि हर स्टूडेंट को A मिल जाए विदाउट एनी टेस्टिंग। तो आप क्या करते हैं, आप प्लान करते हैं कि आपने UMT के जो सर्वर्स हैं उन सारों को क्रैश करवा देना है ताकि एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही ना सके। और उसके लिए एक सिंपलेस्ट अप्रोच है कि आप एक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जो है वो कंडक्ट करें। तो सवाल आप लोगों से ये है, जो है 5 मिनट्स आप इस पर सोचें कि आप किस तरीके से एक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कंडक्ट करेंगे सच दैट UMT के जो सर्वर हैं वो किसी और को सर्व कर ही ना सकें। यानी अगर कोई टीचर एग्ज़ाम अपलोड करना चाहता है या कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम डाउनलोड करना चाहता है तो आपकी गार्बेज ट्रैफिक जो है, जो मलिशियस ट्रैफिक है, वही इतनी ज़्यादा होगी कि बाकियों को सर्वर सर्व ना कर सकें। ठीक है, जो है 5 मिनट सोचें कि क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं। और इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री, ठीक है, कोई आइडिया जो आप बाउंस करना चाहते हैं, कोई आइडिया डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे से कर सकते हैं। चलें क्लास। जी क्लास, एनी आइडियाज कैसे आप कंडक्ट करेंगे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही। हाँ जी, एनी आइडियाज पे क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए आपको? सर, अगर हम एक बोर्ड को जनरेट कर देते हैं और एक अनलिमिटेड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं सर्वर पे तो हम सर्वर को ही क्रैश कर देते हैं। तो इस तरह वो आपने एक दफा बताया था कि इंटरनेट हैक हुआ था, तो तभी यही हुआ था कि बॉट एक था, उसने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि वो आगे से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाया था सर्वर, तो सर्वर डाउन हो गया था। तो अगर हम यहाँ पे भी वही बॉट इस्तेमाल करें और इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करें सर्वर पे तो सर्वर डाउन नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली? प्रेजेंट टाइम लूप लगा दें इसके अंदर। तो एक सवाल, एक सजेशन ये आई है कि UMT के जो सर्वर्स हैं उन्हें आप इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज दें और यानी बेकार रिक्वेस्ट के किसी और के लिए ट्रैफिक
कैपेसिटी बचे ही ना, आपके जो बैंडविड्थ है वो बचे ही ना, ठीक है। तो आप कौन सी ट्रैफिक इस्तेमाल करना चाहेंगे, कौन सी एप्लीकेशन की ट्रैफिक रिक्वेस्ट भेजेंगे आप? हाँ जी, कौन जवाब दे रहा था? सर अगर हम वीपीएन बना लें या कोई खुद से नया बोर्ड जनरेट कर लेते हैं, मतलब उसको कोडिंग वगैरह सब कुछ खुद कर लेते हैं, क्योंकि वो एक तो मलिशियस चीज होगी ना, वो तो कोई इस तरह की ठीक चीज तो होगी नहीं, तो वो हम खुद से क्रिएट करेंगे, जैसे हम वॉर्म क्रिएट होता है या वायरस क्रिएट होता है, इस टाइप का एक बोर्ड जनरेट कर लें। सर ये नजर नहीं आ रहा फुल, सर ये मेन्यू खुला हुआ है राइट सर। एक ये भी है कि हम जो से नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको मिसकॉन्फिगर कर लेंगे, मतलब स्पूफ पैकेट भेज के। क्या कह रहे हैं एसएल जी? जी रिपीट करें सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो नेटवर्क डिवाइसेस होंगे ना, हम उनको मिसकॉन्फिगर कर लेंगे, स्पूफ जो से पैकेट्स हैं ना उनको भेज के, जो कि पिंग पे इफेक्ट करता है, जिसको हम स्मर्फ अटैक या पिंग ऑफ डेथ भी कहते हैं। सर मैं बताऊं? अच्छा भाई, जो स्मर्फ पिंग जो है, ये दो फर्क चीजें होंगी, पिंग ऑफ डेथ और स्मर्फ। स्मर्फ पे हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। और बेसिकली आप लोगों ने बात अच्छी की है कि डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस किए हैं। एक स्टूडेंट ने कहा है कि आप स्पूफिंग करें, कि आप ट्रैफिक जो मर्जी भेजें उसकी रिस्पॉन्स जो आप उसमें जो एड्रेस होगा, यानी आप जो भी एप्लीकेशन है आप इस्तेमाल करें, और जो रिक्वेस्ट भेजेंगे उसमें जो एड्रेस है वो अपने की बजाय किसी विक्टिम का डाल दें। बिल्कुल सर, जो भी ट्रैफिक होगी वो उसके पास चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई फाइल डाउनलोड है या कोई टीसीपी सिन है एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप्स हैं। एक स्टूडेंट ने अभी बात की थी कि आपको अपना कोड खुद लिखना पड़ेगा, क्योंकि मलेशिया गलत काम है तो कोई मलेशिया कोड तो खुद ही लिखना पड़ेगा, इट्स नॉट कि कोई और एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, ठीक है। इस पे हम बाद में डिटेल में अगली क्लास में और ज़्यादा बात करेंगे। पर एक चीज़ है कि एक काम होता है कि आप अपना कोड लिखें, ठीक है, और एक और ऑप्शन होती है कि जो एग्जिस्टिंग आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, यानी एप्लीकेशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, तो उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए कैसे आप गलत काम कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इस पर आप फर्दर और डिस्कशन, इस पर सोल्यूशन डिस्कस करते हैं तो ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने बेसिकली करना क्या है, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस मशीन को आप टारगेट कर सकते हैं। यानी अगर UMT के केस में, UMT में सर्वर काफ़ी एग्जिस्ट करते हैं, LMS का सर्वर है, वेब सर्वर है, अटेंडेंस पोर्टल है, ग्रेडिंग पोर्टल है, पर उनमें से सारे जो सर्वर हैं वो आप एक्सेस नहीं कर सकते नेटवर्क से बाहर। यानी UMT के अंदर बैठ के तो आप इन सब मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, पर अगर आप घर से अटैक करना चाह रहे हैं तो फिर LMS और वेब सर्वर जो है वो एक्सेसिबल है, और ए पोर्टल और ग्रेडिंग पोर्टल जो है वो यूनिवर्सिटी से बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो ये कि आप फैसला करेंगे कि किस मशीन को अटैक करना है। तो उसमें आप कह सकते हैं कि चलो LMS और वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये ऑनलाइन ये विजिबल है फ्रॉम आउटसाइड UMT एज वेल, तो आप इन दोनों को अटैक करेंगे, ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि आपने फैसला ये करना है कि आपने ट्रैफिक किस तरीके से जनरेट करनी है, इतनी ट्रैफिक जनरेट करनी है, फ्लड करनी है, कि सर्वर जो है आपकी गार्बेज ट्रैफिक को सर्व करने में लग जाए और एक्चुअल वैलिड रिक्वेस्ट जो है उनके लिए, उनको सर्व करने के लिए कैपेसिटी ना बचे, ठीक है। तो अब इसके लिए डिफरेंट अटैक्स पॉसिबल हैं। एक एग्जांपल है ICMP फ्लड का। ICMP फ्लड में क्या होता है, पहली चीज़ है कि ICMP क्या होती है। तो बेसिकली इंटरनेट के ऊपर आपका एक कोई भी आपका ट्रैफिक, आपका कोई भी एप्लीकेशन है उसका एक डेटा फ्लो होता है। यानी इसका क्या मतलब, एक नॉर्मल फ्लो होता है। नॉर्मल फ्लो का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी वेब पेज को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं सर्वर के साथ कनेक्ट करके उस वेब पेज को रिक्वेस्ट कर लूँगा। तो नॉर्मल बिहेवियर क्या होगा कि मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंची, सर्वर ने रिक्वेस्ट को देखा और उसके मुताबिक मुझे रिस्पॉन्स भेज दी। पर इन सम केसेस क्या होता है कि आपका ये जो नॉर्मल बिहेवियर है इसके मुताबिक चीज़ें नहीं होती, आपका कोई एरर इवेंट जो है वो ट्रिगर हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने रिक्वेस्ट भेजी है,
अब रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल यूएमटी के वेब सर्वर को मैं रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ, तो रिक्वेस्ट यूएमटी के नेटवर्क तक तो पहुंच गई मेरा पैकेट जो है, पर नेटवर्क के जो राउटर था उसने डिटरमिन किया कि आप जिस मशीन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, आपने जो आईपी एड्रेस स्पेसिफाई किया हुआ है, वो समहाउ मेरे नेटवर्क पे इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो ये एक एरर सिनेरियो है। दूसरा एरर सिनेरियो है कि मैंने पैकेट भेजा, रिक्वेस्ट भेजी, वो डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंची और डेस्टिनेशन नेटवर्क को पता है कि ये डेस्टिनेशन जो मशीन है उस तक कैसे पहुंचाना है, तो वो उस पैकेट को डेस्टिनेशन सर्वर तक भेज देता है। पर सर्वर पे जब वो पैकेट पहुंचा है तो सर्वर कहते हैं कि आप जिस पोर्ट पे कनेक्ट कर, आप जिस पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जहां आप जिस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो तो रन ही नहीं कर रही। तो ये भी एक डिफरेंट एरर सिनेरियो है। तो इन दीज केसेस अब एंड मशीन कैसे रिक्वेस्ट भेजने वाले को बताए कि ये एरर हुआ है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल है दैट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये एक एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, कोई भी एरर हो, फॉर एग्जांपल सर्वर पे पैकेट पहुंचा और सर्वर को नहीं पता कि ये, और पैकेट जिस एप्लीकेशन के लिए था, सर्वर कहते हैं कि ये एप्लीकेशन तो रन ही नहीं कर रही, या ये पोर्ट जो है रन ही नहीं कर रहा, तो सर्वर एक एरर मैसेज जो है वो वापस भेज देगा यूजिंग ICMP। या फिर नेटवर्क पे किसी राउटर पे पैकेट पहुंचे और राउटर कह रहा है कि ये जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है ये मुझे समझ नहीं आ रही, कैसे उस तक भेजूं, वो अनरीचेबल है, तो इन दैट केस टू वो एक एरर मैसेज जनरेट करेगा और ICMP इस्तेमाल करते हुए वापस जो ओरिजिनल रिक्वेस्टर था उसको सेंड कर देगा। क्यों सेंड करेगा? ताकि जिसने रिक्वेस्ट भेजी उसे पता तो लगे कि मसला क्या है। यानी मैं एक वेब पेज, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी जा रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मसला क्या है, तो मैं रिक्वेस्ट भेजी जाऊंगा। पर अगर ICMP के थ्रू मुझे एरर मैसेज आ जाता है तो फिर मुझे समझ आ जाएगी कि ठीक है, मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा था वो रीचेबल नहीं है, तो चलो कोई और पे बंदोबस्त किया जाए। तो इसलिए एरर मैसेजिंग जो है वो काफ़ी यूजफुल होती है। ऑलराइट, तो ICMP में डिफरेंट टाइप के एरर मैसेजेस हो सकते हैं। एक एको होता है सिंपल। एको का मतलब है कि जो भी रिक्वेस्ट आई है उस पैकेट में जो भी डेटा है उसे एज इज कॉपी करके वापस भेज दो। एक एरर होता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल, कि आप जिस आईपी एड्रेस को रीच करना चाहते हैं समहाउ वो रीच नहीं हो पा रहा। फिर टाइम एक्सीडेड होता है कि आपका पैकेट बड़ी देर से नेटवर्क के ऊपर फिर रहा है और अभी तक उसे डेस्टिनेशन नहीं मिले। एक और हो सकते हैं पोर्ट अनरीचेबल। अच्छा, बाय द वे पोर्ट का लफ्ज मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जिन लोगों ने नेटवर्क्स नहीं पढ़ी उनको मैं जल्दी से ब्रीफली बता दूं कि देखें, आपके एक आईपी एड्रेस होता है, एक पोर्ट एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस आपकी मशीन को इंटरनेट के ऊपर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यानी एक वेब सर्वर है, उसका एक आईपी एड्रेस है और वो पूरी दुनिया में यूनिक है। आपके घर का कंप्यूटर है, उसका अज्यूम कर लें कि एक यूनिक आईपी एड्रेस है जो कि पूरी दुनिया में किसी और का नहीं है। और मसला ये है कि आईपी एड्रेस की बेसिस पे अगर पैकेट पहुंच गया, लेट सपोज आपकी मशीन तक पहुंच गया, और लेट सपोज आपकी मशीन में 10 ब्राउजर विंडो खुले हुए हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि इस पैकेट के अंदर जो डेटा है वो किस ब्राउजर विंडो में डिस्प्ले करना है। यानी एक विंडो में आपने CNN खोला हुआ है, एक में जियो खोला हुआ है, एक में आपने LMS खोला हुआ है, एक में आपने जीमेल खोला हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता लगता है कि ये पैकेट किसको जाना चाहिए, किस ब्राउजर को जाएगा। तो क्योंकि आईपी एड्रेस उन सारे पैकेट्स में सेम ही होंगे, क्योंकि आईपी एड्रेस की बेसिस पे पैकेट आपकी मशीन तक आता है। अब मशीन के अंदर जो एप्लीकेशन रन कर रही है, जो डिफरेंट ब्राउजर विंडोज खुले हुए हैं, उनमें से किसको जाना है, तो उसके लिए पोर्ट नंबर होता है या पोर्ट एड्रेस। यानी आपके जितने भी ब्राउजर विंडो खुले होंगे उन सारों का एक अलग-अलग पोर्ट एड्रेस होगा। आपने अगर कोई एप्लीकेशन खोली है, फॉर एग्जांपल जूम, उसका एक अलग-अलग पोर्ट एड्रेस होगा। आपने अगर कोई गेमिंग कर रहे हैं, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो उन सारी एप्लीकेशन के अलग-अलग पोर्ट एड्रेसेस होते हैं। और जो भी पैकेट इंटरनेट के ऊपर आता है तो उसमें एक आईपी एड्रेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है आपकी मशीन को, ताकि पैकेट आपकी मशीन तक पहुँच जाए। उसके बाद पैकेट के अंदर एक पोर्ट एड्रेस भी होता है, और उस पोर्ट, एक बार पैकेट मशीन पे आ गया है, अब उस पोर्ट एड्रेस की बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस
विंडो को, किस ब्राउजर को या किस एप्लीकेशन को ये पैकेट जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कहा जल्दी से आपको बता दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एनीवे, तो ICMP फ्लड आप कैसे फिर करते हैं कि बेसिकली अगर आपने UMT के सर्वर को फॉर एग्जांपल फ्लड करना है फ्रॉम विद ICMP ट्रैफिक, ठीक है, तो एक ऑप्शन है कि आप पिंग इस्तेमाल कर लें। पिंग जो है वो भी ICMP ही इस्तेमाल करता है। पिंग में क्या होता है कि आप एक नॉर्मल पैकेट भेजते हैं जिसके अंदर पोर्ट नंबर आप इस तरह का स्पेसिफाई कर देंगे कि जब वो पैकेट एंड मशीन पे पहुंचे तो एरर ट्रिगर हो जाए, यानी एंड मशीन कहे कि आप जिस पोर्ट को रीच करना चाह रहे हैं वो पोर्ट तो रन ही नहीं कर रहा, तो फिर वो एक एरर मैसेज जनरेट करके वापस आपको भेज देगी यूजिंग ICMP। ठीक है, तो ये पिंग है, और पिंग का मकसद ये होता है कि आप पैकेट सेंड करने और रिस्पॉन्स आने के बीच में जो टाइम था उसे मेजर कर लें, तो आपको पता लग जाता है कि जो मशीन है वो आपसे कितने डिस्टेंस पे है टाइम वाइज। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली जो आपका फिजिकल डिस्टेंस होता है, टाइम वाइज बात हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक एप्लीकेशन है पिंग। तो एक ऑप्शन है कि आप इतनी दफ़ा पिंग करें UMT के सर्वर को कि वो आपके पिंग का ही जवाब देता रहे, जब वो किसी और चीज़ को सर्व ना कर सके। ठीक है, तो ये ICMP फ्लड हो जाएगा और इसके थ्रू भी आप डिनाइल ऑफ सर्विस अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ ट्रैफिक टाइप्स होती हैं जो कि ब्लॉक की होती है नेटवर्क ने। फॉर एग्जांपल, अगर आप एको के थ्रू UMT के सर्वर को डॉस करना चाहते हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि शायद एको ट्रैफिक को उसने वैसे ही ब्लॉक किया हो कि कोई एको रिक्वेस्ट आती है तो वो उसको इग्नोर कर दे। ठीक है, तो एज एन अटैकर फिर आपने ये सोचना होता है कि कौन कौन से, अगर एको नहीं चल रहा तो फिर आप कोई और चीज़ ट्राई करेंगे। आप कहेंगे कि चलो डेस्टिनेशन अनरीचेबल के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि ICMP फ्लड आ जाए, जहाँ पे टाइम एक्सीडेड के थ्रू आप, तो कहने का मतलब है कि अगर एक टाइप ऑफ अटैक नहीं चलता तो आप कोई डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक जो है वो ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ये होगी। दूसरी पॉसिबल सोल्यूशन है कि आप TCP SYN फ्लड कर दें या SYN स्पूफिंग कर दें। इसमें क्या होता है कि हमने कहा था कि पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि आप ये भी कर सकते हैं कि एक बेसिकली होता क्या है, इंटरनेट पे जब क्लाइंट और सर्वर ने आपस में कम्युनिकेट करना है एप्लीकेशंस ने, तो कम्युनिकेशन के लिए उन्हें एक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल चाहिए होता है, यानी एप्लीकेशन डेटा जनरेट कर देती है पर अब उस डेटा को आगे कैसे भेजना है, तो उसे भेजने के लिए आपकी मशीन पे दोनों एंड्स पे TCP रन कर रहा होता है। तो एप्लीकेशन डेटा जनरेट करेगी और अपने TCP जो कनेक्शन है उसका जो बफर है जो उसकी स्पेस है उसमें वो डेटा राइट कर देगी। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि TCP इस्तेमाल करते हुए डेटा आगे कैसे पहुंचाना है। सिमिलरली दूसरे एंड पे जब पैकेट रिसीव होता है तो वो TCP जो है वो क्या करेगा कि वो एप्लीकेशन के बफर में बेसिकली राइट कर देगा ताकि एप्लीकेशन उस बफर को रीड करके डेटा रीड कर ले। तो कहने का मतलब है कि TCP जो है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। और TCP की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि सबसे पहले क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी वेब सर्वर से कनेक्ट करके वेब पेज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तो पहले मेरा ब्राउजर जो है वो उस सर्वर के साथ एक TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। और TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का क्या तरीका है कि क्लाइंट एक पैकेट भेजेगा जिसके अंदर SYN बिट सेट होगी, यानी सिंक्रोनाइजेशन बिट। ठीक है, वो पैकेट जब सर्वर तक पहुंचेगा तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर कहेगा कि ठीक है क्लाइंट मेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, तो सर्वर जो है अपना जो कनेक्शन टेबल होता है उसमें एक एंट्री बनाएगा जिसमें इस फ्लो रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी जाएगी। और फिर सर्वर क्या करेगा, एक SYN ACK पैकेट बनाएगा, यानी एक पैकेट होगा जिसमें SYN बिट भी सेट होगी और एक्नॉलेजमेंट बिट भी सेट होगी। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि सर्वर क्लाइंट को कह रहे हैं कि तुमने जो मुझे पैकेट भेजा था वो मुझे मिल गया, और फिर वो सर्वर उस पैकेट को भेज देगा। अब यहां पे अटैकर की एक ऑप्शन तो ये है अटैकर की कि वो बस SYN पैकेट भेजी जाए ठीक है, ताकि सर्वर जो है उससे रिलेटेड एंट्रीज बनाई जाए, और इवेंचुअली क्या होगा कि सर्वर के लिंक पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी
और उसके कनेक्शन टेबल में इतनी ज़्यादा जगह यूज अप हो जाएगी कि किसी नए फ्लो के नए कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए उसके पास कैपेसिटी नहीं बचेगी। तो फिर आप कोई वैलिड यूजर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर उसे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसमें यह भी कर सकते हैं कि जो अटैकर था वो जब सेंड पैकेट भेजते हैं तो उसमें जो सोर्स एड्रेस है वो अपना डालने की बजाय किसी और का डाल दे। तो यहाँ पे आप दो किस्म के अटैक हो जाएंगे, यानी सर्वर भी अटैक हो रहा होगा और सर्वर जो रिस्पांस भेजेगा सिन हैक की तो वो अटैकर की बजाय उस विक्टिम को भेज देगा, तो वो भी विक्टिम बन गया, वो भी अब अटैक हो रहा है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विस अचीव करने का एक तरीका हो सकता है। और बाय द वे यहाँ पे जो है ये जो TCP सिन और सिन स्पूफिंग वगैरह है, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। पर जो ICMP वाला एग्जाम्पल किया था, जो पिंग एग्जाम्पल था, उसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप अपने कमांड लाइन पे लिखें पिंग स्पेस www.umt.edu.pk, तो वो पिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए UMT पे जो है ट्रैफिक भेज देगा। आपको कोई प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम आपको इतनी स्क्रिप्ट कोडिंग करनी पड़ जाएगी कि आप कमांड लाइन पे एक लूप लिखें जो कि फॉर एग्जाम्पल मिलियन टाइम रन कर रहा है और उसके अंदर जो है पिंग की कमांड डाल दें, बस सिर्फ इतना आपको काम करना पड़ रहा है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी स्टूडेंट ने कहा था कि मलिशियस कोड है तो आपको खुद प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि यस, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आप अपनी मर्जी का काम करना चाहते हैं, तो आपको खुद प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल TCP सिन फ्लड सिन स्पूफिंग। पर लाजमी नहीं है कि आप अपनी प्रोग्रामिंग करें, आप कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए भी अटैक कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल है पिंग का, कि आप सिंपल एक लूप लिख के उसके अंदर पिंग को कॉल करी जाए बार बार, तो बार बार पिंग होगा, इवेंचुअली आपका सर्वर क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप्स होगी। एक तीसरा अटैक हो सकता है UDP फ्लड का। UDP फ्लड क्या होता है, तो क्लास देखें, अभी मैंने आपको कहा है कि दो क्लाइंट और सर्वर आपस में अगर डेटा एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उन्हें TCP इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, एक और ऑप्शन इंटरनेट पे होती है कि आप TCP की बजाय UDP इस्तेमाल कर लें। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं मेरे ऑनलाइन लेक्चर पढ़े हुए यहाँ पे मैं उस डिटेल में नहीं जा सकता। ठीक है, पर दोनों का काम यही है कि एक एंड से डेटा दूसरे एंड तक पहुंचाना है। ठीक है, तो UDP फ्लड में क्या हो सकता है कि आप एक सॉकेट प्रोग्राम लिख दें जो कि सर्वर का कोई ओपन पोर्ट ले और उस ओपन पोर्ट के ऊपर जो है बस बिला वजह गार्बेज पैकेट भेजी जाए। तो इन सम केसेस TCP ट्रैफिक जो है उसके थ्रू अटैक करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल सिन स्पूफिंग है, सिन फ्लडिंग है, तो सर्वर जो है उसके खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो अगर आपको नजर आता है कि TCP के थ्रू आप अटैक नहीं कर पा रहे तो फिर आप UDP पे शिफ्ट कर जाए। एक UDP का सॉकेट अगर पोर्ट खुला हुआ है तो आप सर्वर पे उस पोर्ट के साथ कनेक्ट करें और गार्बेज भेजनी शुरू कर दें, तो इट इज़ पॉसिबल कि शायद सर्वर उसे प्रोटेक्ट ना कर रहा, और इन दैट केस टू पे सर्वर के ऊपर जो है डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाएगा सक्सेसफुल। ठीक है, कास्ट एनी क्वेश्चन? नो सर। यानी अभी आपको पता होना चाहिए कि आप अपना प्रोग्राम लिख के भी अटैक कर सकते हैं, आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करके भी अटैक कर सकते हैं, और मेन आपको पता होना चाहिए कि अटैक है क्या। बेसिकली मेन गोल ये है कि सर्वर के ऊपर आपने इतनी ट्रैफिक जनरेट करनी है, इतना लोड डालना है कि वो वैलिड रिक्वेस्ट को सर्व ना कर सके। ये आपका सिंपल डिनाइल ऑफ सर्विस है। अब हमने देखना है कि और इसमें क्या फर्दर इन अटैक को कैसे और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। तो आज और कल की क्लास में हम कुछ और अटैक्स को डिस्कस करेंगे और फिर कल की क्लास में हम देखेंगे कि डिफेंड कैसे किया जा सकता है। पर उससे पहले एक सवाल ये है कि मैंने अभी कहा है कि आप अगर आपने अटैक करना है तो आप देखेंगे कि सर्वर पे कौन सा पोर्ट ओपन है और फिर उस पर आप अटैक कर दें। तो बात यह कि आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा पोर्ट ओपन है। ठीक है, तो उसमें फिर बात आ जाती है, आप एक टूल इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है नेटवर्क स्कैनर। ठीक है, और इसमें एक जो पॉपुलर टूल है वो है nmap। nmap बेसिकली क्या करता है कि वो अगर आप nmap में स्पेसिफाई कर देते हैं कोई
आईपी एड्रेस या कोई कोई सर्वर का यूआरएल, तो एनमैप क्या करेगा, वो होस्ट डिस्कवरी में आपको हेल्प करेगा कि उस नेटवर्क पे कौन कौन सी मशीन ऑनलाइन है और कौन कौन सी मशीन जो है वो यूएमटी के बाहर से एक्सेसिबल है। फिर वो आपको पोर्ट स्कैनिंग का फीचर प्रोवाइड करता है, यानी वो आपको बता देगा कि जिस मशीन को आप टारगेट करना चाह रहे हैं उस पर कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं। यानी ये मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि मैंने नेट पे जाके एक ऑनलाइन वर्जन ली थी एन मैप की, जिसमें सारे फीचर अवेलेबल नहीं है पर कुछ स्कैन जो है वो आपको दे देता है। तो मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई किया umt.edu.pk, तो उसने आपको बता दिया कि पोर्ट नंबर 80 ओपन है। ये पोर्ट जो है ये HTTP वेब सर्वर का पोर्ट है। फिर उसने बताया कि पोर्ट नंबर 443 ओपन है, ये बेसिकली HTTPS यानी सिक्योर HTTP वेब सर्वर जो है उसका पोर्ट है। यानी वो सर्वर जो है वो इन पोर्ट्स के ऊपर लिसन करते हैं फॉर इनकमिंग ट्रैफिक और रिस्पॉन्ड करते हैं फॉर आउटगोइंग ट्रैफिक, ठीक है। फिर अगला पोर्ट है 8080, ये भी बेसिकली HTTP के लिए इस्तेमाल होता है। उससे अगला पोर्ट है 8443 और ये भी बेसिकली ओपन पोर्ट है। तो आपको नजर आ रहा है कि इस सर्वर पे, इस मशीन पे सिर्फ और सिर्फ 4 पोर्ट्स ओपन है। इसका फायदा क्या होता है इस इंफॉर्मेशन का, वो भी बाद में बात करते हैं। इसके अलावा नेटवर्क स्कैनर आपको ये भी बता देते हैं कि जो मशीन आप टारगेट कर रहे हैं उसके ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, ठीक है। एडिशनली ये भी बता देते हैं कि आप जिस नेटवर्क को टारगेट करना चाह रहे हैं उस नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी बेसिकली होता है आपका स्ट्रक्चर, कि कौन से राउटर्स हैं, कौन से लिंक हैं, कौन सा राउटर किसके साथ कनेक्टेड है, कौन सी मशीन किसके साथ कनेक्टेड है, उनके बीच में लिंक कौन से हैं, उन लिंक्स की बैंडविड्थ क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एन मैप आपको प्रोवाइड कर देता है। अब सवाल ये है कि इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा क्या है, यानी अगर आपको पता लग गया कि कौन सा पोर्ट ओपन है तो सो वॉट, इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो नेटवर्क स्कैनर जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो अटैकर और जो सिक्योरिटी डिफेंड करने वाला बंदा है उन दोनों के लिए बहुत यूजफुल होती है, ठीक है। पहला सवाल है कि आप डेस्टिनेशन को स्कैन क्यों करना चाहते हैं। तो देखें, स्कैनर से सबसे पहले आपको पता लग गया कि कौन कौन सी मशीन जो है वो UMT के नेटवर्क के बाहर से एक्सेसिबल है, बाहर से विजिबल है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको पता लग गया कि कौन सी मशीन विजिबल है तो अब आप उन्हें अटैक कर सकते हैं। यानी रादर देन कि आप ढूंढें कि अटैक किसको करना है, आपको फौरन पता लग गया कि यार ये 2-3 मशीन्स हैं जो कि बाहर से भी एक्सेसिबल हैं, तो आप अपने अटैक का आगाज इन मशीन से करें। आप देखें कि ये अटैक हो सकती है कि नहीं, अगर हो जाती है तो शायद आपका काम यहीं पर हो जाए, अगर नहीं होती तो फिर आप अंदर जो और छुपी हुई मशीन है उन्हें टारगेट करने की कोशिश करें। अगला पॉइंट है, अगर आपको पता लग गया है कि मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रन कर रहा है, एप्लीकेशन कौन सी रन कर रही है, तो अटैकर को इस इंफॉर्मेशन का क्या फायदा है। तो यहाँ पे भी वही बात आ जाती है जो मैंने पहले आपको कहा था कि देखें, अगर अटैकर को पता लग गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एप्लीकेशन कौन सी रन कर रही है, उसकी वर्जन कौन सी रन कर रही है, तो अटैकर क्या करेगा, वो नेट पे जाएगा, जो आपके वल्नरेबिलिटीज वाली वेबसाइट्स होती है या एक्सप्लॉइट्स वाली वेबसाइट होती हैं, और उनमें जाके स्पेसिफाई कर देगा ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ये सारी जो वर्जन रन कर रही हैं आपकी एप्लीकेशंस की। और फिर वो पूछेगा कि इन वर्जन में क्या वेल नोन वीकनेसेस हैं, क्या वेल नोन वल्नरेबिलिटीज हैं। तो उन वेबसाइट से उसे पता लग जाएगा कि ये वाली वर्जन अगर रन कर रही है तो उस पर ये एक वेल नोन अटैक है। तो अगर अटैक ही पता लग गया आपको तो फिर अटैकर क्या करेगा, उसी अटैक को इस्तेमाल करके सर्वर को अटैक कर देगा। यानी ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि हर सॉफ्टवेयर में, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई वीकनेस होती है और उनकी डिफरेंट वर्जन होती हैं। तो अगर कोई मशीन पुरानी वर्जन इस्तेमाल कर रही है तो आप नेट पर जाके देख सकते हैं कि इस वर्जन में क्या मसाइल थे, और इन सम केसेस तो नेट पे आपको ये भी मिल जाएगा कि इस वर्जन को अटैक करने के लिए स्टेप्स क्या है, यानी क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो ये वर्जन जो है, ये सॉफ्टवेयर वर्जन जो है ये अटैक हो जाएगी। और आप सिंपली वो फॉलो कर लें, आपको अपनी मेहनत भी कोई नहीं करनी पड़ेगी। इन सम केसेस आपको स्टेप्स भी नहीं फॉलो करने पड़ेंगे, आपको एग्जिस्टिंग टूल मिल जाएगा, आप डबल क्लिक करेंगे वो अटैक कर देगा।
ठीक है, ऑल राइट। अगला पॉइंट आ जाते हैं कि ओपन पोर्ट्स का फिर आपको क्या फायदा है। तो देखें, अगर आप किसी क्लोज पोर्ट पे पैकेट भेजते हैं तो वो पैकेट सर्वर तक पहुंच तो जाएगा, और सर्वर देखेगा कि ये पैकेट जो है ये जिस पोर्ट के लिए डेस्टिन था वो तो रन ही नहीं कर रहा, तो सर्वर उस पैकेट को जो है वहीं पे ड्रॉप कर देगा, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेगा। ऑन दी अदर एंड, अगर आपको पता है कि कोई पोर्ट ओपन है और आप उस ओपन पोर्ट के ऊपर पैकेट भेजते हैं, तो अब क्या होगा कि सर्वर तक पैकेट जाएगा, फिर सर्वर उस पैकेट को उस एप्लीकेशन को पकड़ा देगा जिसका पोर्ट नंबर था, और वो एप्लीकेशन फिर उस पैकेट के ऊपर प्रोसेसिंग करके देखेगी कि ये कोई यूजफुल पैकेट है कि कोई गार्बेज है। पर बात ये है कि अगर एप्लीकेशन तक पैकेट पहुंच गया तो इसका मतलब है कि एक तो आपकी लोड ज़्यादा हो गया, यानी प्रोसेसिंग आपकी बढ़ गई, और दूसरी बात यह है कि इन सम केसेस अगर पैकेट एप्लीकेशन तक पहुंच गया है ना, तो उस पैकेट की प्रोसेसिंग से ही आप एप्लीकेशन को क्रैश करवा सकते हैं, जैसे पिंग ऑफ डेथ था कि आप पैकेट इतना बड़ा भेज दें कि एप्लीकेशन उसे जो है वो प्रोसेस करते करते ही एज इन प्रोसेस कर ही ना सके, वो बफर ओवरफ्लो हो जाए और आपका जो है वो पूरा एप्लीकेशन ही क्रैश कर जाए। ठीक है, तो ये ओपन पोर्ट का फायदा होता है कि आप ओपन पोर्ट पे पैकेट भेजें, एक तो प्रोसेसिंग हर हाल में होगी तो लोड बढ़ गया, और दूसरी बात ये कि इन सम केसेस आप जबरदस्ती इस तरह की प्रोसेसिंग करवा सकते हैं कि वो एप्लीकेशन ही क्रैश कर जाए, और इसकी डिटेल जो है हम बफर ओवरफ्लो के चैप्टर में बाद में देखेंगे। एक और फायदा ओपन पोर्ट जानने का ये होता है कि अगर आपको पता लग गया कि कौन सा पोर्ट ओपन है, तो उससे आपको ये भी पता लग जाता है कि एप्लीकेशन कौन सी रन कर रही है, क्योंकि हर एप्लीकेशन एक यूनिक पोर्ट इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन है, वेब सर्वर है, तो वो पोर्ट 80 या पोर्ट 8080 इस्तेमाल करता है। तो अगर आपको पता लग गया कि पोर्ट 80 रन कर रहा है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसका मतलब है कि वेब सर्वर रन कर रहा है। उसके अलावा अगर आपको नज़र आते हैं कि पोर्ट 123 रन कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उस मशीन के ऊपर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का सर्वर जो है वो रन कर रहा है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, नेट पे जाएंगे, आप देखेंगे कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर अगर रन कर रहा है मशीन में, तो उसे अटैक करने का क्या तरीका होता है, उसमें क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या वीकनेसेस हैं, और उन वीकनेसेस को इस्तेमाल करते हुए इस सर्वर को अटैक करके इस सर्वर के थ्रू आप उस मशीन को अटैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अटैकर को इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा है। सिमिलरली अगर आपको नेटवर्क टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो ये भी बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट फिर वो अटैकर जो है अपना अटैक प्लान कर सकता है, यानी वो देख सकता है कि इस टोपोलॉजी में ये एक लिंक है जो कि बॉटलनेक है, अगर किसी तरीके से हम इस लिंक को क्रैश करवा दें तो बाकी जितने भी सर्वर की ट्रैफिक इस लिंक के थ्रू जा रही थी वो सारे के सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अटैकर को फ़ायदा होता है नेटवर्क स्कैनर का, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो उतना ज़्यादा अपनी बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं अटैक की। ठीक है, और अगर सिक्योरिटी का कोई पर्सन है तो उसको क्या फ़ायदा होता है स्कैनर का, तो यही बात जो है ये उस पर भी अप्लाई करती है कि अटैकर इस इंफॉर्मेशन को अटैक के लिए इस्तेमाल करता है, और जो डिफेंड करने वाले वो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि हमारे नेटवर्क में क्या क्या वीकनेसेस हैं और उनको फिक्स करेगा। फॉर एग्जांपल टोपोलॉजी में एक ऐसा लिंक है जो कि सारे के सारे सर्वर की ट्रैफिक उसी लिंक के थ्रू जा रही है, तो ये ख़तरनाक है, क्योंकि अगर ये लिंक ख़राब हुआ तो सारे सर्वर जो है डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर जो सिक्योरिटी वाला बंदा है वो इस लिंक को प्रोटेक्ट भी करेगा, और इसके अलावा कोई रिडंडेंट लिंक्स भी डाल देगा ताकि अगर ये क्रैश कर जाए तो किसी और लिंक के थ्रू ट्रैफिक जाए। ठीक है, सिमिलरली ओपन पोर्ट्स में वो देखेगा कि अगर यूएमटी देखेगा, यूएमटी का सिस्टम एडमिन कहता है कि यार हमें वेब सर्वर तो ओपन रखना है, वो तो हमारी मजबूरी है, पर पोर्ट नंबर 123 ओपन रखने का क्या फ़ायदा, यानी ये तो हमारी जिम्मेदारी में नहीं है ना कि स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर की घड़ी को ठीक कर रहा। तो फिर सिस्टम एडमिन जो है वो क्या करते हैं, वो इस पोर्ट को क्लोज कर देगा, कहेगा कि पोर्ट जो है इसे बंद ही कर दो, ना पोर्ट ओपन होगा ना उस पर कोई अटैक कर सकेगा। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन मिल गई है तो वो भी नेट पे जाके देख सकते हैं कि इनमें कोई नॉन वल्नरेबिलिटी है कि नहीं, अगर है तो फिर उसे फिक्स करेगा वो। ठीक है, एनी क्वेश्चंस क्लास?
सर ये ओपन पोर्ट के बारे में पूछना था कि ये क्यों रखे जाते हैं? दोबारा रिपीट करें सर। हमने देखे है ना अभी तक कि ओपन पोर्ट वो पहले देखता है, जो अटैकर होता है देखता है ओपन पोर्ट कौन से हैं, तो हम ओपन पोर्ट रखते ही क्यों हैं? ओके, सवाल ये है कि हम ओपन पोर्ट रखते ही क्यों हैं, ठीक है? यस सर। उसका जवाब ये है कि मजबूरी है। अगर आपने वेब सर्वर बनाना है तो फिर पोर्ट 80 और पोर्ट 8080 को ओपन तो रखेंगे ना। अगर पोर्ट ओपन ही नहीं होगा, एक मिनट, अगर पोर्ट ओपन ही नहीं होगा तो क्लाइंट आपके सर्वर से कनेक्ट कैसे करेगा? हाँ, कोई ऐसा पोर्ट ओपन है जिसकी कोई तुक नहीं बनती, फॉर एग्जांपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। अगर आपके मशीन का काम जिम्मेदारी है, यूएमटी का सर्वर है, उसकी जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट के घर के कंप्यूटर की घड़ी को ठीक करे, तो फिर वो पोर्ट 123 को ओपन रख ले। पर अगर ये उसकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है तो सबसे पहले आप इस पोर्ट को बंद कर देंगे ताकि NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल बेस्ड अटैक अगर कोई हो सकता है तो एटलीस्ट उस अटैक से आप बच जाएं। हाँ जी सर, मैं ना वेबसाइट होस्ट करने की कोशिश की है, तो वो पोर्ट 80 पे होस्ट नहीं होती, वो मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह किया लेकिन मैं अगर कोई और पोर्ट डालूं तो वो हो जाती है। मैं यूज कर रहा हूँ सर Nginx यूज कर रहा हूँ लिनक्स पे। तो उसके ऊपर पे Nginx का तो अपना कोई पोर्ट नंबर होता है ना, लाजमी नहीं कि पोर्ट 80 हो। सर उसका डिफॉल्ट था 80 HTTP वेबसाइट के लिए विदाउट SSL, तो सर उस पे ना वो मतलब मैं खोलता था खुल जाती थी, लेकिन सर बाकी भाई से खोलता था ना लाइक तो वो नहीं पूरी वेबसाइट खुलती थी। आई एम नॉट श्योर, इसे बाद में देखना पड़ेगा, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। ठीक है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है हर सर्वर का जो है डिफरेंट एप्लीकेशन होती है वो एक अपना भी एक पोर्ट नंबर रखती है बेसिकली। एक्चुअली यार ये लेक्चर से हट जाएगा, अगर आपने बात करनी तो ऑफलाइन इसके बाद हम कर सकते हैं, ठीक है? ये सिक्योरिटी से हट के बाकी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। अभी ये लेक्चर के बाद कर सकते हैं? लेक्चर के बाद मैं टाइम अनाउंस कर दूंगा, उसमें बात कर लेंगे, ठीक है? अभी फौरन बाद में। ऑलराइट, ठीक है, ओके। अगला पॉइंट ये है कि अभी तक जो हमने अटैक्स की बात की है तो वो सिंगल सोर्स अटैक थे। सिंगल सोर्स अटैक का क्या मतलब है कि एक अटैकर है, एक उसकी मशीन है और सारी अटैक ट्रैफिक उस मशीन से ही जा रही है, ठीक है? अटैकर के लिए इस अप्रोच में मसला क्या है? तो एक मसला तो ये है कि अगर वो फ्लडिंग अटैक करना चाहता है तो फ्लडिंग अटैक के लिए उसके पास अपनी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, यानी UMT के सर्वर की कैपेसिटी 1 Gbps है और अटैकर जो है उसकी अपना जो कैपेसिटी है वो 1 Mbps है, तो अटैकर मैक्सिमम 1 Mbps के रेट पे ट्रैफिक भेज सकता है। तो अगर सर्वर जो है वो भी इसी रेट पे ट्रैफिक जनरेट करेगा इन रिस्पांस, तो फिर अटैक तो कोई ना हुआ ना। एटमोस्ट क्या हुआ कि अटैकर ने 1 Mbps यूज अप कर लिया, और 1 Gbps लिंक का मतलब है कि 999 Mbps अभी भी सर्वर के पास अवेलेबल है। और याद रखें कि आपका जो घर का लिंक होता है यूजुअली वो कमजोर होता है, और जो सर्वर ऑर्गेनाइजेशन के जो सर्वर होते हैं उनके जो अपने लिंक होते हैं वो काफी हाई बैंडविड्थ वाले होते हैं, तो आप अगर उतनी ट्रैफिक जनरेट ही नहीं कर सकते तो फिर अटैक कैसे करेंगे? यानी अगर 1 Gbps का लिंक है सर्वर का, तो फिर आप भी 1 Gbps तो जनरेट करें ना ताकि वो लिंक ओवरलोड हो जाए। तो ये एक मसला है कि एक मशीन से इतनी ज्यादा बैंडविड्थ जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा मसला क्या है कि अगर आप एक मशीन से टारगेट कर रहे हैं अटैकर, तो उस मशीन को वापस ट्रेस करना बड़ा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं UMT के सर्वर को अटैक करता हूँ, तो UMT का सर्वर सिंपली क्या करेगा, वो लॉग फाइल देखेगा, उस लॉग फाइल से पता लग जाएगा कि किस IP एड्रेस से ट्रैफिक अटैक आ रही थी, और वो मुझे आके जो है वो टारगेट कर लेगा, मुझे आके पकड़ लेगा, ठीक है? तो सिंगल सिस्टम को ट्रेस करना जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है। अब बात यह है कि एक चीज तो ऑब्वियस है कि एक मशीन से अगर आप अटैक करते हैं तो वो अटैक होगा भी कमजोर और उसको पकड़ना उसे ट्रेस करना भी आसान हो जाता है।
तो अगली बात आ जाती कि अब फिर डॉस अटैक को पावरफुल बनाने का तरीका क्या। ठीक है, तो आजकल जो है, आजकल डॉस अटैक जो है वो एक मशीन से नहीं होते हैं, वो मल्टीपल मशीन जो है जिनके थ्रू अटैक कंडक्ट किया जाता है। मल्टीपल मशीन को इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि एक तो अटैक बहुत स्केल अप हो जाता है, यानी अगर एक मशीन की बैंडविड्थ 1 Mbps थी और आप अटैक 1000 मशीनों के थ्रू कर रहे हैं तो दैट मीन के 1000 Mbps जो है इफेक्टिवली इतनी बैंडविड्थ आपको मिल जाएगी, तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक जनरेट किया जा सकता है। अब वो आप देख रहे हैं कि पिछली क्लास में हमने यही मैंशन किया था कि रिसेंटली डॉस अटैक्स हुए जिनमें 2 Tbps की ट्रैफिक जनरेट हुई थी, तो ऑब्वियसली एक मशीन से इतनी ट्रैफिक जनरेट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो वो फिर आप मल्टीपल मशीन इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि आप जितनी ज्यादा इंटरमीडिएट मशीन इस्तेमाल करेंगे, यानी मैं फॉर एग्जांपल अटैक करना है मैंने, तो मैं आप में से किसी एक की मशीन पे कोई मैलवेयर डाल देता हूँ, कोई वायरस डाल देता हूँ, आपकी मशीन से वो किसी और मशीन को इन्फेक्ट करते हैं और उस मशीन से फिर टारगेट करता हूँ, तो अब होगा क्या कि आप मुझे पकड़ने के लिए पहले वो जो स्टूडेंट था जिसको जिसके मशीन पे वायरस डाला था उसे पकड़ना पड़ेगा, फिर वहां से देखना पड़ेगा कि किस स्टूडेंट की मशीन से उसकी मशीन में वायरस आया, फिर उसे देखना पड़ेगा और वहां से फिर आके आप जो जो बेसिकली अथॉरिटीज हैं वहां से फिर आके देखेंगी कि ओरिजिनल अटैक जो है वो किसकी मशीन से हुआ था। बट द थिंग इज कि अगर इतनी ज्यादा मशीन के थ्रू आप अटैक कर रहे हैं तो फिर आप तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मशीन जो है मैं रशिया के अंदर कोई मशीन के थ्रू अटैक कर लेता हूँ, तो अब रशिया में कैसे गवर्नमेंट जाके कहेगी कि हमें बताओ कौन था। रशियन गवर्नमेंट कह सकती है कि हम हमारे पे कोई बाइंडिंग नहीं है, हम आपकी बात को इग्नोर कर देते हैं, तो इस तरीके से आपको एक सर्टन प्रोटेक्शन मिल जाती है अटैकर को। ठीक है, इनडायरेक्ट अटैक्स 3 किस्म के हो सकते हैं, हम इनकी डिटेल एग्जाम्पल्स कुछ आज करेंगे कुछ अगली क्लास में देखेंगे। तो एक अटैक हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, एक होता है रिफ्लेक्टर और एक होता है एम्पलीफायर अटैक। इन दोनों में फर्क क्या है, तो हैं तीनों के तीनों तीनों जो है वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं। तीनों के केस में एंड गोल यही है कि आपका एक सर्वर है जिसे आपने इतना बर्डन करना है कि वो किसी को सर्व ही ना कर सके। ठीक है, तो फर्क क्या होता है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो यूजली हमारा मतलब होता है कि अटैकर ने कोई विक्टिम के कंप्यूटर पे कब्जा किया किसी तरीके से और उन मशीनों के थ्रू अटैक कंडक्ट किया, तो वो यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस कंसिडर किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड रिफ्लेक्टर और एम्पलीफायर अटैक में क्या होता है कि कोई अनऑथराइज यूजेज नहीं है, यानी अटैकर जो है किसी मशीन पे कब्जा नहीं करता, किसी मशीन पे वायरस इंस्टॉल नहीं करता। अटैकर सिंपली क्या करता है कि वो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल देखता है या एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन देखता है और सोचते हैं कि इसको मैं बिल्कुल वैलिड तरीके से भी इस्तेमाल करूं तो मैं किसी को कैसे अटैक कर सकता हूं। इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर मैं किसी वेब सर्वर को एक्सेस करता हूँ और वेब पेज की रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो इसमें कोई अनऑथराइज बात है, मुझे वेब पेज एक्सेस करने के लिए कोई वायरस इंस्टॉल करना पड़ता है, कोई मैलवेयर इंस्टॉल करनी पड़ती है, नहीं करना पड़ता, मैं सिंपल एक रिक्वेस्ट भेजूंगा मुझे रिस्पांस आ जाएगी। ठीक है, अलबत्ता मैं ये कर देता हूँ कि रिस्पांस में जो अपना मैंने एड्रेस दिया है वो मैं अपने की बजाय किसी तीसरे बंदे का एड्रेस डाल दूं, तो अब क्या होगा कि प्रोटोकॉल की यूजेज बिल्कुल ठीक है, कोई वायरस वगैरह नहीं आपको डालना पड़ा, आपने सिंपली क्या कहा है, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को और उसमें जो एड्रेस है वो अपने की बजाय किसी और का भेज दिया, ताकि सर्वर जब रिस्पॉन्ड करेगा तो रिस्पॉन्स आपको ना आए किसी दूसरे बंदे को चली जाए। तो ये बेसिकली होता है कि आपने जो है प्रोटोकॉल के यूजेज के अंदर, वैलिड यूजेज के अंदर रहते हुए आपने उसे ऐसे इस्तेमाल किया है कि उससे कोई गलत काम हो जाए। ठीक है, तो ये इन दोनों में एक सटल सा डिफरेंस है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस की पहले बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अटैकर जो है उसकी कोशिश होती है कि डिफरेंट मशीन में वो कोई मैलवेयर इंस्टॉल करे, कोई वायरस इंस्टॉल करे, कोई इलीगल प्रोग्राम इंस्टॉल करे जिसके थ्रू वो मशीन जो है ना चाहते हुए ना जानते हुए भी
आपके अटैक का हिस्सा बन जाए। ऐसी मशीन को ज़ॉम्बी कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से अटैक नहीं कर रही, पर आपने उन मशीन में ऐसा वायरस डाल दिया है, ऐसा कोई मैलवेयर डाल दिया है कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक किसी विक्टिम को अटैक करना शुरू हो जाती है। ऐसी मशीन को ज़ॉम्बी कहते हैं। मल्टीपल ज़ॉम्बीज अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन ज़ॉम्बीज का जो नेटवर्क बनता है उस नेटवर्क को बॉटनेट कहा जाता है। और बॉटनेट लाजमी नहीं है कि आप खुद ही मैलवेयर इंस्टॉल करें मशीनों पे। यूजली क्या होता है कि कोई हैकर वगैरह होते हैं, उन्होंने दुनिया के डिफरेंट मशीनों पे जो है अपना मैलवेयर इंस्टॉल किया होता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो कह देते हैं कि ठीक है आपको अगर कोई बॉटनेट चाहिए तो हमें बता दें कितनी मशीन चाहिए, हम वो आपको एक्सेस दे देंगे, आप हमें उसका पैसा दे दें, किराया दे दें। तो 2015 में रिसर्च एक स्टडी हुई थी जिसने बताया था कि 40% डॉस अटैक जो है वो बॉट वो किराए के बॉटनेट्स के थ्रू होते हैं। यानी मैंने अगर यूएमटी को अटैक करना है तो मैं अपनी मशीन से डायरेक्ट अटैक नहीं करूंगा, मैं नेट पे जाके देखूंगा कि कोई बॉटनेट है जो कि किराए पे अवेलेबल हो, मैं उन्हें पैसे दूंगा, ठीक है। और फिर वो उन्हें मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि इस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल तुमने UMT के सर्वर को जो है बस रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर देनी है धड़ाधड़, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया जा सकता है। और अटैकर जो है वो एक, अच्छा यहाँ पे भी एक हायरार्की होती है, एक हैंडलर ज़ॉम्बी होता है और एक एजेंट ज़ॉम्बी होता है। एजेंट ज़ॉम्बी का काम है अटैक करना, एक्चुअल अटैक करना। हैंडलर ज़ॉम्बी जो है वो बेसिकली मल्टीपल एजेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अटैकर क्या करते हैं, अटैकर बेसिकली मल्टीपल हैंडलर ज़ॉम्बीज हैं उनको कमांड भेज देगा कि अटैक शुरू करो, और उन हैंडलर ज़ॉम्बीज के अंडर जितने एजेंट ज़ॉम्बीज हैं वो उन सारों को मैसेज कर देंगी कि तुमने अटैक अब लॉन्च करना है। तो क्योंकि साइमल्टेनियसली मैसेज आएगा तो सारे एक ही टाइम पे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जो है वो इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो है जनरेट किया जा सकता है। और इसका एक और फायदा क्या है कि क्योंकि अटैकर जो है वो खुद अटैक नहीं कर रहा, वो हैंडलर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, हैंडलर ज़ॉम्बी को एजेंट को रिक्वेस्ट भेज रहा है, और एजेंट टारगेट कर रहा है, टारगेट को अटैक कर रहा है, तो इसलिए अटैकर जो है वो बेसिकली छुप ही जाता है। यानी यूएमटी को पहले एजेंट ज़ॉम्बी वाले आईएसपी को पकड़ना पड़ेगा, उस आईएसपी को हैंडलर ज़ॉम्बी वाले आईएसपी को पकड़ना पड़ेगा, वो फिर अटैकर तक किसी तरीके से पहुंचे। पर द थिंग इज कि इतनी ज्यादा अगर आपको इन डायरेक्शन के थ्रू जाना पड़ रहा है तो चांसेस आ कि वो आपको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं फिर कह दूं कि अगर एक कंप्यूटर, एक आपका ज़ॉम्बी रशिया में है, एक ज़ॉम्बी चाइना में है, और अटैक आप यूएस के किसी सर्वर को कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस यूएस वाला आईएसपी रशिया को कह सकता है कि हमें बताओ किसने भेजी है ट्रैफिक। रशिया वाला कह देगा नहीं हम नहीं बताते, सिमिलरली चाइना वाला भी ना कर देगा। तो इसलिए ट्रेस करना, इस किस्म के केस में ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन नहीं होता। इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा कि मैं जो अटैक्स की आपसे बात कर रहा हूँ ये आपकी नॉलेज के लिए है, आप जाके एक्चुअली अटैक लॉन्च ना कर देना, ठीक है, क्योंकि उससे जो है वो पकड़े जाएं तो काफ़ी सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट बताने का मकसद है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकें इनके अगेंस्ट, ना कि इन्हें अटैक में इस्तेमाल करें, ठीक है। डीडॉस के कुछ मशहूर टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइब फ्लड नेटवर्क है, हल्क है, टॉर्स हैमर है, स्लो लॉरेस है, लॉइक है, एंड काफ़ी और टूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते हुए अपना अटैक कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस था। एनी क्वेश्चन? ऑल राइट, अगला जो अटैक है वो कैटेगरी थी रिफ्लेक्शन अटैक की। तो रिफ्लेक्शन में आपको कोई ज़ॉम्बी, कोई बॉटनेट, कोई मैलवेयर नहीं चाहिए। रिफ्लेक्शन अटैक में क्या होता है कि अटैकर बेसिकली किसी नॉन वैलिड सर्वर को एक वैलिड रिक्वेस्ट भेजता है, पर फर्क क्या है कि वैलिड रिक्वेस्ट में जो एड्रेस है वो अपने की बजाय विक्टिम का डाल देता है। तो अब क्या होगा कि सर्वर को जब वो पैकेट आएगा तो सर्वर कहेगा ठीक है बड़ी वैलिड सी रिक्वेस्ट है, नॉर्मल रिक्वेस्ट है, कोई गार्बेज नहीं है, अच्छी भली रिक्वेस्ट है, तो वो उसकी रिस्पांस जनरेट करके भेज देगा। पर रिस्पांस किसे भेजेगा, अटैकर को नहीं, विक्टिम को, क्योंकि विक्टिम का आईपी एड्रेस स्पेसिफाई किया गया। और इस चीज को बेसिकली रिफ्लेक्टर कहते हैं।
कि अटैक खुद करने की बजाय किसी और सर्वर के थ्रू आपने रिफ्लेक्ट किया टुवर्ड्स द विक्टिम. रिफ्लेक्टर सिलेक्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी होती है कि अटैकर कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा सर्वर सिलेक्ट करे रिफ्लेक्शन के लिए जो कि बहुत हाई कैपेसिटी हो. यानी अगर आपने किसी को अटैक करना है और आप ऐसे सर्वर के थ्रू ट्रैफिक रिफ्लेक्ट करें जिसकी अपनी बैंडविड्थ 1 kbps है तो आपका अटैक कितना नुकसान कर देगा. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ऐसा सर्वर है जिसकी अपनी ट्रैफिक जो है अपनी कैपेसिटी 1 gbps है तो उसके थ्रू अगर आप अटैक करवाते हैं तो यस 1 gbps जो है उतनी ट्रैफिक जनरेट हो सकती है. और आइडियली आपका जो अटैकर होगा उसकी कोशिश होती है कि कोई इस तरह का सर्विस इस्तेमाल करे जिसमें रिक्वेस्ट पैकेट छोटा हो और रिस्पॉन्स पैकेट बहुत बड़ा हो. यानी पिंग का एग्जांपल लें तो पिंग में आपने एक पैकेट भेजा और रिस्पॉन्स साइज उतना ही था तो अब अगर आपने 1 gigabit की ट्रैफिक जनरेट करनी है तो आपको खुद भी 1 gigabit के रेट पे पिंग करना पड़ेगा. ऑन दी अदर एंड अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपने एक पैकेट भेजा फॉर एग्जाम्पल 1500 byte का और उसके रिस्पॉन्स में 1 gigabyte की फाइल आ गई है तो ये अटैक बहुत अच्छा है क्योंकि एक पैकेट से आपने 1 gigabyte के पैकेट जनरेट किए हैं करवाए हैं. ठीक है. तो ये भी आप चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल है DNS, SNMP, ISA, KMP. DNS का एग्जाम्पल है तो DNS में क्या होता है कि आपका रिक्वेस्ट पैकेट छोटा होता है पर जो DNS का रिस्पॉन्स है वो काफी बड़ा होता है तो इसलिए एक छोटे पैकेट से आप एक बहुत बड़ा डेटा जनरेट करवा देते हैं. तो आपके एंड पे फॉर एग्जाम्पल 1500 byte के पैकेट गया है पर सर्वर जो रिस्पॉन्स भेजेगा विक्टिम को वो इससे कई गुना ज्यादा बड़ी होगी. ठीक है. और रिफ्लेक्शन अटैक का अगर कोई और एग्जांपल देख रहे हैं तो वो TCP SYN का जो हमने बात की थी वो भी एक एग्जांपल है रिफ्लेक्शन अटैक का कि आपने पैकेट SYN पैकेट भेजा और उसमें जो IP एड्रेस है वो अपना डालने की बजाय आपने किसी और विक्टिम का डाल दिया तो आप अटैक बेसिकली सर्वर भी हो रहा है और सर्वर जिस विक्टिम को पैकेट भेज रहे हैं वो भी अटैक हो रहा है. ठीक है. तो ये बेसिकली आपका रिफ्लेक्शन अटैक होता है. एम्पलीफिकेशन अटैक की बात करें तो वो भी रिफ्लेक्टर अटैक की ही एक वर्जन एक वेरिएंट है पर इसमें फर्क क्या होता है. फर्क बस ये है कि एम्पलीफिकेशन अटैक में इस तरीके से ट्रैफिक भेजी जाती है कि जो रिजल्टिंग ट्रैफिक है वो कई गुना ज्यादा हो. यानी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक एग्जांपल तो ये दिया कि आपने एक पैकेट भेजा और उसके रिस्पांस में सर्वर ने कई गीगाबाइट का डेटा जनरेट करके सेंड कर दिया तो वो बेसिकली एम्पलीफिकेशन होगी कि एक के बदले में काफी बड़ा आपको डेटा जनरेट हो गया. दूसरा एम्पलीफिकेशन का एग्जांपल है कि आप एक पैकेट ट्रांसमिट करते हैं और उसमें IP एड्रेस जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस करते हैं. ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि नेटवर्क पे हर मशीन को वो पैकेट जाएगा. इसका हम अभी एग्जाम्पल थोड़ी देर में देखते हैं पर ये ब्रॉडकास्ट का फिर नुकसान फायदा क्या होता है अटैकर को कि अटैकर ने एक पैकेट भेजा सिर्फ एक वो जिस नेटवर्क पे गया नेटवर्क ने उस पैकेट की कॉपीज बना के मल्टीपल मशीन को भेज दिया. अब जब वो सारी मशीन विक्टिम को रिस्पांस भेजेंगी तो आपको नजर आ रहा है कि एक पैकेट से कई गुना ज्यादा आपके रिस्पांस पैकेट जनरेट हो गया. यानी समझ आई है एम्पलीफिकेशन का मतलब है कि एक पैकेट से आपने कई गुना ज्यादा ट्रैफिक उससे कई गुना ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करवाई. यानी अगर एम्पलीफिकेशन ना होती मैंने सर्वर को एक पैकेट भेजा है उसके बदले में एक रिस्पॉन्स पैकेट जो है विक्टिम तक पहुंच गया रिफ्लेक्ट हो गया. एम्पलीफिकेशन में क्या होगा मैंने नेटवर्क को एक पैकेट भेजा है नेटवर्क में जितने सर्वर हैं उन सारों को उस एक पैकेट की कॉपी पहुंच गई है. अब वो सारे सर्वर अपना रिस्पॉन्स जनरेट करके भेज देते हैं तो अगर नेटवर्क पे 1 lakh सर्वर थे तो दैट मीन कि 1 lakh पैकेट जनरेट हो जाएंगे जो विक्टिम को भेजे जाएंगे. ठीक है. तो ये एम्पलीफिकेशन अटैक होता है. एनी क्वेश्चन क्लास. ऑल राइट इस पर भी और बात करते हैं एक्चुअल एग्जांपल देखते हैं. तो एक एग्जांपल है DNS रिफ्लेक्शन एम्पलीफिकेशन अटैक. इसमें क्या होता है
डीएनएस का काम क्या होता है कि आप यूआरएल स्पेसिफाई करें तो वो उसका आईपी एड्रेस बता दें, ठीक है, ओके, विच इज अ वैलिड फंक्शनैलिटी, इसमें कोई इलीगल बात नहीं है. तो अटैकर क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा कौन से डीएनएस सर्वर हैं जिनकी स्पीड अच्छी है. फॉर एग्जाम्पल गूगल का डीएनएस सर्वर है 8.8.8.8, ठीक है, उस सर्वर पे जो है काफी बैंडविड्थ वी कैन एक्सपेक्ट की अवेलेबल होगी. तो इस तरह के कुछ सर्वर को वो सिलेक्ट करेगा अटैकर और इन सारों को एक लीगल वैलिड डीएनएस रिक्वेस्ट भेजेगा. पर उस डीएनएस रिक्वेस्ट में जो आईपी एड्रेस होगा वो सोर्स आईपी एड्रेस वो अपना नहीं होगा, वो किसी विक्टिम का होगा, ठीक है. और इस तरह के अटैकर जो है कई डीएनएस रिक्वेस्ट बनाता है और कई डिफरेंट सर्वर्स को भेज देता है, ठीक है. अब होगा क्या कि डीएनएस में जो रिक्वेस्ट का साइज होता है वो छोटा होता है और जो रिस्पॉन्स साइज जो है वो काफी बड़ा हो सकता है, ठीक है, ओके. तो फिर अब क्या होगा कि जितने अटैकर ने जितने डीएनएस सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेजी होगी वो उस रिक्वेस्ट साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा रिस्पांस जनरेट कर देंगे. और क्योंकि रिस्पांस सारे के सारे डीएनएस एक विक्टिम को कर रहे होंगे तो उस विक्टिम के ऊपर सडनली बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा और उसकी जो अपनी जो वैलिड ट्रैफिक थी वो डिनाई हो जाएगी. तो ये एक तरीका है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करने का. इसमें आपको नजर आ रहा है कि रिफ्लेक्शन भी हो रही है और एम्पलीफिकेशन भी हो रही है कि रिक्वेस्ट पैकेट छोटा था, रिस्पांस पैकेट रिस्पांस डेटा उससे कई गुना ज्यादा बड़ा. एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट. और इसकी खूबसूरती ये है कि अटैकर को छोटे छोटे पैकेट भेजने पड़े, यानी अगर अटैकर ने 1 गीगाबिट जनरेट करना है तो उसका यह मतलब नहीं कि उसे खुद भी 1 गीगाबिट के पैकेट भेजने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि उसका रिक्वेस्ट पैकेट छोटा होगा और इन रिटर्न जो रिस्पांस पैकेट है डीएनएस सर्वर का वो काफी बड़ा होगा, तो उतने गुना ज्यादा आपका जो है वो बेसिकली ट्रैफिक जनरेट हो जाती है, एम्पलीफाई हो जाता है फ्लो. तो इसलिए आपको खुद आप अटैकर को खुद बहुत ज्यादा बैंडविड्थ नहीं चाहिए होती है. ओके, दूसरा एग्जांपल है स्मर्फ अटैक का, जो अभी किसी ने मेंशन भी किया था. तो स्मर्फ में बेसिकली क्या होता है, वो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है. बेसिकली वो इस तरीके से पैकेट भेजता है. बेसिकली होता क्या है, अच्छा इसे समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि आपका आईपी एड्रेस जो है वो या तो यूनिकास्ट हो सकता है या ब्रॉडकास्ट हो सकता है, मल्टीकास्ट भी हो सकते हैं, पर उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे. यूनिकास्ट का मतलब है फॉर एग्जाम्पल मैंने यूएमटी के सर्वर को एक पैकेट भेजा है, तो यूनिकास्ट का मतलब है कि सिर्फ उसी मशीन को पैकेट जाएगा. एज अपोज टू दैट ब्रॉडकास्ट क्या होता है एड्रेस, कि अगर आपने ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस पे कोई पैकेट भेजा है तो वो जब नेटवर्क तक पहुंचेगा पैकेट तो नेटवर्क को समझ आ जाएगी कि ये पैकेट जो है इसकी कॉपीज बना के सारों को भेज देना है. यानी यूनिकास्ट पैकेट सिर्फ एक मशीन को जाता है, ब्रॉडकास्ट पैकेट उस नेटवर्क के ऊपर जितनी मशीन है उन सारों को जाता है, ठीक है. तो इन दिस केस क्या होगा कि बेसिकली आप अटैकर क्या करता है स्मर्फ अटैक में, कि अटैकर सिर्फ एक पैकेट भेजता है, सिर्फ एक, और उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होता है. तो अब वो पैकेट जब नेटवर्क पे जाएगा तो नेटवर्क उस पैकेट की कॉपीज बनाएगा और उस नेटवर्क पे जितने सर्वर हैं जितनी मशीन हैं उन सारों को वो कॉपीज भेज देगा. और याद रखें इन पैकेट में जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो अटैकर का अपना नहीं है, वो विक्टिम का आईपी एड्रेस अटैकर ने डाल दिया. तो अब क्या होगा कि जिस सर्वर तक वो पैकेट पहुंचेगा वो उसकी रिस्पांस भेज देगा, ठीक है. यानी फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पैकेट था जो कि पोर्ट अनरीचेबल का इवेंट ट्रिगर करता है, तो क्या होगा कि जिस मशीन तक वो पैकेट पहुंचेगा वो मशीन जो है आईसीएमपी का एक रिस्पांस पैकेट जनरेट करेगी जिसमें एरर पैकेट जिसमें लिखा होगा कि पोर्ट अनरीचेबल, और फिर रिस्पांस किसे भेजेगी, विक्टिम को जिसका आईपी एड्रेस जो है अटैकर ने स्पूफ किया. और खूबसूरती यह स्मर्फ अटैक की कि अटैकर को कोई बहुत ज्यादा पैकेट नहीं भेजने पड़ रहे, अटैकर सिर्फ एक पैकेट भेजता है, पर क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है तो नेटवर्क जो है वो हर किसी को वो पैकेट की कॉपी बना के खुद ही भेज देगा. तो यानी जो लोड भी पड़ा है वो अटैकर पे नहीं पड़ा, वो नेटवर्क पे ही पड़ा है.
ठीक है, तो इस तरीके से जो है बेसिकली एक सिर्फ एक पैकेट से आपने कई गुना ज्यादा पैकेट जनरेट करवा दिए और वो विक्टिम की तरफ भिजवा दिया। और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि आप वो वाली सर्विस, इन सम केसेस आप ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका रिस्पांस पैकेट जो है वो काफी बड़ा हो, तो वो फिर एम्पलीफिकेशन और भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे तो सिर्फ पैकेट साइज उतना ही है रिस्पॉन्स का जितना ICMP का पैकेट होता है, पर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें पैकेट साइजेस बहुत बड़े हो, जिसमें रिस्पॉन्स सॉरी बहुत बड़ी हो, तो इन दैट केस विक्टिम के ऊपर और ज्यादा एम्पलीफाइड किस्म का अटैक हो जाएगा। ठीक है, और इन केस कोई इस तरह के अटैक का सोर्स कोड देखना चाहते हैं तो गूगल पर जाके लिख दें smurf.c, पहला लिंक आ जाएगा GitHub का जिसपे आपको ये कोड मिल जाएगा। तो अगर आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग आती है तो मेरा मशवरा होगा कि ये कोड देख लें ताकि आपको आइडिया हो कि अटैक किस तरह से किया जाता है। ठीक है, ऑलराइट क्लास, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जो हमने लास्ट में बात की है पैकेट जनरेट हो जाते हैं तो वो एक पैकेट हम खुद भेजते हैं सर्वर को, तो जो बाकी क्रिएट होते हैं ये थोड़ा सा बता सकते हैं किस तरह होते हैं? हाँ जी, आपने एक पैकेट भेजा, UMTP के नेटवर्क पर, जब UMTP के नेटवर्क पे पैकेट पहुंचा, ठीक है, राउटर पे, राउटर ने उसकी कॉपीज बनाई और एक इधर भेज दिया, एक इधर भेज दिया, उन राउटर्स ने फर्दर कॉपी बना दी, एक इधर भेज दिया, लेट्स सपोज एक इधर भेज दिया, तो बात ये है कि कॉपी आपने नहीं बनाई, आपने एक ही पैकेट भेजा। UMTP के जब राउटर पे वो आया था तो फिर उस राउटर ने डिसाइड किया कि ये तो ब्रॉडकास्ट पैकेट है, तो उसने उसकी कॉपीज बना बना के सारों की तरफ फॉरवर्ड कर दी। इवेंचुअली जितने भी सर्वर होंगे UMTP के उन सारों तक वो पैकेट की कॉपी पहुंच जाएगी, फिर वो उस पैकेट की रिक्वेस्ट जो थी उसकी बेसिस पे रिस्पांस जनरेट करेंगे और उस पैकेट में जो सोर्स एड्रेस था जो कि विक्टिम का था, रिस्पांस जो है उस एड्रेस को सेंड कर देंगे। तो आपको नजर आ रहा है कि आपको कुछ भी नहीं अटैकर को करना पड़ा, अटैकर ने सिर्फ एक ही पैकेट जनरेट किया, दूसरी कॉपीज वगैरह बनाई है वो UMTP के नेटवर्क ने खुद ही बनाई है। अब क्लियर हो गया आपको? यस सर, अब हो गया, थैंक यू। ऑल राइट सर, एक्चुअली में सर, सर जो सर्वर होगा नेटवर्क का तो उस सर्वर के ऊपर होस्ट, आवाज आई आपकी, रिपीट करें प्लीज। सर मैं कह रहा हूँ कि जो सर्वर के ऊपर होस्ट होगा, तो होस्ट भी कोई होगा ना, तो वो नहीं उसको रोक सकता? यार ये पीछे म्यूजिक बंद करके दोबारा रिपीट करें, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं। रिपीट करें, यार आपकी आवाज नहीं आई, क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, जो हमारा सर्वर के जिसके ऊपर अटैक कर रहे होंगे, UMTP का जो राउटर के जो सर्वर होगा, तो उसके ऊपर एक होस्ट भी होगा ना जो एडमिन के ऊपर वर्किंग कर रहा होगा, जो इस तरह के देख रहा होगा, तो वो इसको ब्लॉक नहीं कर सकता अगर हमारा पैकेज ट्रैफिक जनरेट कर रहा होगा? ठीक है यार, इसकी बात जो है ना अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में हमारा फोकस ही डिफेंस टेक्निक्स पे, आज हमारा फोकस सिर्फ अटैक्स पे था, अगली क्लास में हम देखेंगे कि इनके खिलाफ डिफेंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी ठहर जाएं, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट देन, अगले सेशन में इंशाल्लाह मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह।